नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से। मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में नातेदारी का सामाजिक महत्व पर चर्चा करेंगे। नातेदारी संज्ञाएं तथा रीतियों के विवेचन से कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि नातेदारी व्यवस्था हमारे सामाजिक जीवन का केवल एक साधारण और मनोरंजक पक्ष है, लेकिन ऐसी धारणा बहुत भ्रांतिपूर्ण है कि वास्तविकता यह है कि अन्य संस्थाओं के समान नातेदारी भी एक प्रमुख सामाजिक संस्था है जो एक समूह में व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं तथा अन्य व्यक्तियों की तुलना में एक व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करती है। यही कारण है कि आज किसी को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है। विभिन्न क्षेत्रों में नातेदारी के महत्व अथवा इसकी भूमिका को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। नंबर एक, सर्वप्रथम निषिद्ध तथा मान्यता प्राप्त संबंधों की प्रकृति को स्पष्ट करना नातेदारी व्यवस्था का ही कार्य। जनजातीय समाज आज भी इतने सरल हैं कि सभी तरह के संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। इस दशा में नातेदारी रीतियों के द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है कि एक व्यक्ति के संबंध अन्य व्यक्तियों में से किसी प्रकार के होंगे तथा व्यक्ति को विवाह और उत्तराधिकारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर किस प्रकार व्यवहार करना आवश्यक है। इसी आधार पर ब्राउन ने यह स्वीकार किया है कि नातेदारी व्यवस्था का मुख्य कार्य विवाह तथा परिवार के रूप को व्यवस्थित करना है। नंबर दो, सरल समाजों में आज भी व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण बहुत कुछ उनकी वंश की प्रतिष्ठा और शक्ति के आधार पर होता है। नातेदारी की सहायता से न केवल एक वंश के इतिहास को समझा जा सकता है बल्कि नातेदारों की संख्या के आधार पर ही एक विशेष वंश अथवा कुल की शक्ति का भी मूल्यांकन किया जाता है। इस दृष्टिकोण से भी नातेदारी के सामाजिक महत्व की अवहेलना नहीं की जा सकती है। नंबर तीन, नातेदारी समूह में व्यक्ति का सामाजिक बीमा। जब कभी भी व्यक्ति किसी संकट अथवा कठिनाई में होता है तो नातेदारों के द्वारा ही उसे सभी प्रकार की सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान की जाती है। नातेदारी के कारण व्यक्ति स्वयं को अकेला और असहाय महसूस नहीं करता। इसके अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक समारोहों के अवसर पर नातेदारी के संदर्भ में ही व्यक्ति मनोवैज्ञानिक संतुष्टि का अनुभव करता है। संभवतः इसी दृष्टिकोण से मरडॉक ने नातेदारी को व्यक्ति की द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में स्पष्ट किया है। नंबर चार, सामाजिक जीवन में नातेदारी समूह की भूमिका एक विस्तृत परिवार अथवा कुल के समान है जिसमें सभी व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के प्रति असीमित उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं। वर्तमान युग में जबकि स्वार्थ समूहों की बढ़ती हुई निरंकुशता के कारण मानसिक तनावों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, नातेदारी समूहों में व्यक्ति भूमिका निर्वाह सामाजिक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व का शिक्षण प्राप्त करता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपने नातेदारों के बीच होता है तब उसे सबसे अधिक आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। नंबर पाँच, सच तो यह है कि नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संगठन का एक मौलिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेल्सन ग्रेवन का कथन है कि सामाजिक संगठन के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है
नातेदारी व्यवस्था में वे सभी तत्व विद्यमान हैं। इसका तात्पर्य है कि किसी समाज में नातेदारी व्यवस्था जितनी सुव्यवस्थित होती है, वहाँ सामाजिक संगठन भी उतना ही अधिक सुदृढ़ हो जाता है। नंबर 6, विभिन्न समाजों की सामाजिक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक प्रतिमानों को भी नातेदारी व्यवस्था की सहायता से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। नातेदारी व्यवस्था का संबंध बहुत कुछ नैतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं से होने के कारण इनमें बहुत कम परिवर्तन होता है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में हम नातेदारी संज्ञाओं तथा नातेदारी रीतियों की सहायता से एक विशेष समाज के इतिहास को भी ज्ञात कर लेते हैं। नातेदारी संबंधों में वर्तमान परिवर्तन। वर्तमान युग परिवर्तन का युग है, जिसमें सभी सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक संरचनाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहे हैं। नातेदारी संबंधों में से आज अनेक संरचनात्मक और प्रकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम नातेदारी संबंधों में अब औपचारिकता तथा दिखावे की विशेषताएं उत्पन्न होने लगी हैं। नातेदारी समूह को अपनी सुरक्षा का आधार नहीं मानते हैं। नातेदारी का एक प्रमुख कार्य वंश की संपत्ति में व्यक्ति के अधिकार का निर्णय निर्धारण करता है। आज उत्तराधिकारी का निर्धारण कानूनों के द्वारा होता है, अतः व्यक्ति नातेदारी के नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं समझता है। विवाह का प्रकार तथा विवाह के नियम नातेदारी संबंधों का आधार थे, किंतु आज विवाह पर परिवार का प्रभाव तेजी से कम होता जा रहा है। इस दशा में नातेदारी व्यवस्था का मूल प्रकार ही महत्वपूर्ण हो गया है। नातेदारी अधिकारों के निर्धारण में आयु, लिंग तथा रक्त संबंधों का विशेष महत्व था। वर्तमान युग में एक नातेदारी समूह के अंदर भी उसी व्यक्ति को अधिक अधिकार मिलते हैं जो आर्थिक अथवा राजनीतिक जीवन में अधिक सफलताएं प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति चाहे किसी भी आयु अथवा लिंग का हो, नातेदारी में उसका पदाधिकारी ऊंचा हो जाता है। सामाजिक संबंधों की सुदृढ़ता में भी नातेदारी संबंध अब उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर व्यक्ति अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा सहकर्मियों को आमंत्रित करना अधिक उपयोगी और अनावश्यक मानता है। इस दशा में भी नातेदारी संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। नातेदारी संबंधों में होने वाले परिवर्तनों के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। इन कारकों में कृषक समूहों का औद्योगीकरण समूह में बदलना, नगरीकरण में वृद्धि होना, संयुक्त परिवारों का टूटना, स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति में वृद्धि होना तथा जातिगत व्यवसायों के महत्व में कमी आना आदि प्रमुख हैं। इनके लिए अतिरिक्त जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, उत्पादन के नए ढांचे, व्यक्तिवादी जीवन पद्धति तथा नए राजनीतिक तथा व्यावसायिक संबंधों के कारण नातेदारी संबंधों में तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है। वास्तव में नातेदारी संबंध सरल समाजों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। आज जैसे जैसे सरल समाज औद्योगिकरण और जटिल समाजों के रूप बदल रहे हैं, नातेदारी संबंधों का प्रभाव भी तेजी से कम होता जा रहा है। नातेदारी चाहे किसी भी रूप में हो, नातेदारी व्यवस्था में के अंतर्गत इसके अध्ययन का महत्व सर्वमान है। मॉर्गन ने नातेदारी संज्ञाओं के महत्व को स्पष्ट करते हुए यह बताया है कि इनकी सहायता से समाज के विकास के स्तरों को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी जनजाति में जब समान स्तर की सभी स्त्रियों को किसी एक संज्ञा द्वारा संबोधित किया जाता है, तो इससे यह तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि आरंभ में उस जनजाति में समूह विवाह की स्थिति रही होगी। नातेदारी संज्ञा इस दृष्टिकोण से प्रकारात्मक है, इससे एक विशेष व्यक्ति के प्रति अनेक दूसरे व्यक्तियों के कर्तव्यों और अधिकारों का बोध होता है। उदाहरण के लिए, उराव जनजाति में बुआ, मामी, मौसी और सास को एक ही संज्ञा टाची द्वारा संबोधित किया जाता है। इन सभी स्त्रियों में से एक ही संज्ञा का प्रयोग होना इस
तथ्य को स्पष्ट करता है कि एक पुरुष इन सभी नातेदारी स्त्रियों की लड़कियों से विवाह कर सकता है। इस दृष्टिकोण से अनेक संबंध संज्ञा व्यक्ति के अन्य वर्गों के लोगों में स्थापित होने वाले संबंधों के क्षेत्र को स्पष्ट करने में सहायक होती हैं। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।